हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर लो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नीशियम म्योरिटिकम पढ़ेंगे। ये आती है 5 मार्क्स में एंड 10 मार्क्स में, ठीक है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ये भी पूछी जा रही है, थोड़ा जब से पैटर्न चेंज हुआ है BHMS का। तो आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम म्योरिटिकम एंड एफी क्लोराइड ऑफ मैग्नीशिया स्पेशली अडेप्टेड टू डिजीज ऑफ वुमेन स्पाजमोटिक, ठीक है। वुमेन के लिए जो कि स्पाजमोटिक तो आते हैं, हम समझ गए होंगे कि जो पीरियड्स के पेन की बात हो रही है यहाँ पर। एंड हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स, हिस्टेरिकल का मतलब मेनली वो होता है कि जो नेचर होता है ना फीमेल्स का, मूड स्विंग जिसको बोल सकते हैं, एग्जैक्ट वो नहीं बट फिर भी थोड़ा हिस्टेरिकल सा नेचर वाइज ये बोला जाता है, ठीक है। स्पेशली अडेप्टेड टू डिजीज ऑफ वुमेन स्पाजमोटिक एंड हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स कॉम्प्लिकेटेड विद यूटराइन डिजीजेस, ठीक है। यूटराइन डिजीज वो है सफर्ड फॉर ईयर्स फ्रॉम अटैक्स ऑफ इंडाइजेशन और बिलियसनेस। ऐसी वुमेन आ रही है आपके पास जिनको सालों से इंडाइजेशन था और बिलियसनेस यानी कि जो अपना लिवर प्रॉब्लम्स थी, आज उनको यूटराइन डिजीजेस हुई है, तो फिर आप उनको मैग्नीशियम में और दे सकते हो। चिल्ड्रन ड्यूरिंग डिफिकल्ट डाइजेशन आर अनेबल टू डाइजेस्ट मिल्क, ओके। ऐसे बच्चे जिनको अनेबल टू डाइजेस्ट मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इट कॉजेज पेन इन स्टमक एंड पासिस अनडाइजेस्टेड प्यूनी रिशाइड हु क्रेव स्वीट्स। देखिए ये जो पेशेंट्स हैं ना, ये वुमेन और बच्चे हैं इसके मैग्नीशियम में और के जो अभी हम देख रहे हैं। उसके बाद फिजिकल सेंसिटिवनेस इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट सेंसिटिवनेस हो रही है टू नॉइज़, ठीक है। नॉइज़ के लिए बहुत ग्रेट सेंसिटिवनेस देखी जाती है मैग्नीशियम मेरिटिकम में। हेडेक की बात करते हैं, एवरी 6 वीक्स इन फोरहेड अराउंड द आईज, हर एक आध महीने में उसको, एक डेढ़ महीने में फोरहेड और अराउंड द आईज पेन हो रहा है, और ऐसा हो रहा है कि एज इट वुड बर्स्ट, ठीक है। और एग्रेवेशन हो रहा है इसको मोशन से, और ओपन एयर में भी इसका एग्रेवेशन हो रहा है और मोशन से भी हो रहा है, और एम्ब्यूरेशन हो रहा है इसको लाइंग डाउन यानी कि लेटने से। मैग्नीशियम में और कि वुमेन पेशेंट्स आते हैं ना ज़्यादा, तो जो वुमेन पेशेंट्स आई है ना अपने पास में जिनको चलने फिरने से दिक्कत हो रही है ओपन एयर से, उनको ये लग रहा है मैं आराम करूँ लेट जाऊँ, और यूटराइन प्रॉब्लम्स बता रही हैं, और जो सेंसिटिवनेस भी है, हेडेक हो रहा है, ऐसे आती हैं पेशेंट्स फीमेल्स, मैंने बहुत देखी है क्लिनिक पे। तो हम उनको मैग्नीशियम म्योर देते हैं, ठीक है। लाइंग डाउन स्ट्रॉन्ग प्रेशर से भी एम्ब्यूलेशन मिलता है जो कि पल्स में भी होता है, और रैपिंग अप वार्म। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेट टेंडेंसी ऑफ हेड टू स्वेट, स्वेटिंग मैग्नीशियम म्योर में। ये जो है ना, ये इसको दूसरे पल्सेटिला से एक तो अलग बनाती है, और जो स्नाक्सोमिका से भी अलग बताती है, और ये मतलब हेड और तो स्वेट ग्रेट टेंडेंसी। माउथ की बात करें तो इसको टूटे एक होता है जो कि अनबियरेबल होता है, सहन नहीं होता है जब फूड जो है टच करता है टीथ को, ठीक है। और उसके बाद इसमें कंटिन्यू राइजिंग ऑफ वाइट फ्रॉथ इन टू द माउथ, कंटिन्यूअल राइजिंग होता है, वाइट फ्रॉथ आता है इसके माउथ में, अंदर भी सफ़ेद झाग, ठीक है। और अनबियरेबल टूथ एक होता है, याद रखना। GIT की बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर में अकेले भी पूछ सकते हैं, देख लो दो स्टार वगैरह में, ठीक है। इसमें इरेक्टेशन होती है यानी कि डकारें आती है, टेस्टिंग लाइक जो कि सड़े वंडे जैसी फील होती है, रॉटन एग्स की जैसी, ऑनियंस की जैसी भी लग सकती है, और ब्रेथ स्मेल्स ऑफ ऑनियन मतलब प्याज की जैसे भी स्मेल हो सकती है। प्रेशर पेन इन लिवर पे, इसको प्रेशर पेन होना होता है व्हेन वॉकिंग एंड टचिंग, हाथ लगाती है तो फील हो जाता है, लिवर हार्ड दिखाई देता है, लार्ज दिखाई देता है। और एग्रेवेशन इसको होता है लाइंग राइट साइड में, अगर एग्रेवेट करती है, अगर राइट साइड में लाइक करके सो जाए तो उसका एग्रेवेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन इसको रहता है, स्टूल हार्ड रहता है, स्कैंटी रहता है, लार्ज नॉटी लाइक शीप्स डॉग। अब ये जो शीप्स डॉग है ना, ये मैग्नीशियम म्योर में मिलेगा। डिफिकल्ट टू पास क्रम्बलिंग एट वर्ज ऑफ एनस, और इन्फेंट्स ड्यूरिंग डेंटेशन। अब डेंटेशन के टाइम पर इन्फेंट्स में भी वर्ज ऑफ एनस पे दिखेगा ये इसका कॉन्स्टिपेशन, ओके। सो दिस वॉज इरिटेशन हो गया, रॉटन एग, ऑनियन लाइक, प्रेसिंग पेन इन लिवर, वॉकिंग, टचिंग इट, ठीक है।
कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड स्कैंटी लार्ज, और ये डिफिकल्ट टू पास, और इन्फेंट ड्यूरिंग डेंटिशन, ये इंपॉर्टेंट है. यूरिनरी सिस्टम, यूरिन पेल येलो कैन ओनली बी पास बाय बेरिंग डाउन विद एब्डोमिनल मसल्स. बहुत मुश्किल से यूरिनेशन कर पाती है इसकी पेशेंट. वीकनेस ऑफ ब्लैडर. ओके, एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा ब्लैडर वीक हो जाता है इन पेशेंट्स में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है मैग्नीशियम न्योर में. इसकी जो मेंसेस होते हैं विद ग्रेट एक्साइटमेंट एट एवरी पीरियड, इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुश रहती है. फ्लो ब्लैक होता है, क्लोटेड होता है, बहुत डार्क क्लोटेड हुआ. स्पाजम्स, तो देखो स्पाजमोटिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, तो स्पाजम होता है, पेन होगा, एग्रीवेशन होगा इन बैक व्हेन वॉकिंग, चलने से इसको 15 मिनट से दिक्कत होती है. मैंने पढ़ा था एक्सटेंड इनटू थाई, थाइस तक एक्सटेंड होता है, मेट्रोरेजियस में होता है, ठीक है, बार बार पीरियड्स आते हैं, और एग्रीवेशन एट नाइट इन बेड में जब उसको रात में होती है, कॉजिंग हिस्टेरिया. ल्यूकोरिया होता है इसमें आफ्टर एक्सरसाइज विद एवरी स्टूल के साथ, इसको ल्यूकोरिया होता है विद यूटराइन स्पाज्म फॉलोड बाय मेट्रोरेजिया 2 वीक्स आफ्टर मेंसेस और 3 और 4 डेज. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पाल्पिटेशन एंड कार्डियक पेन व्हेन सिटिंग, एग्रीवेशन में मूविंग अबाउट, थोड़ा सा मूव करेगी तो एग्रीवेशन होगा और दर्द होगा, और पाल्पिटेशन कार्डियक पेन जब बैठती तब उसको फील होता है. इसका कंपेयर कैमिला से हो जाता है चिल्ड्रन की डिजीज में, यानी कि जो ये जो इसको वॉन्सिवेशन और ये चीफ स्टक वाला जो फूड है. ओके, सो दिस वाज मैग्नीशियम म्योर, ये वाला देख लेना थोड़ा. स्पाजमोडिक इंड्यूट्राइन डिजीज, अनेबल टू डाइजेस्ट और पास अनडाइजेस्टेड पनीर ग्रेप्स स्वीट्स, चिल्ड्रन का हो गया, वुमेन का हो गया. पेट सेंसिटिवनेस टू नॉइज होती है, ठीक है. ओके गाइस, सब्सक्राइब कर लो, और कौन सी मेडिसिन का वीडियो चाहते हो बता दो फटाफट.